मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सीबी और सीई के बारे में पढ़ा, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांजिस्टर के तीन कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखे थे, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमारा उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, इसमें क्या होगा, जिस प्रकार कॉमन बेस में बेस टर्मिनल कॉमन होता है, इमिटर के अंदर इमिटर टर्मिनल कॉमन होता है, तो कॉमन कलेक्टर के अंदर क्या होगा, ये कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होगा। ठीक है, यानी जो हमारा इनपुट और आउटपुट पार्ट है, दोनों के अंदर क्या रहेगा, कलेक्टर टर्मिनल जो है वो कॉमन होगा। और इस प्रकार जो ट्रांजिस्टर होता है उसको एक थ्री टर्मिनल डिवाइस के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर दिया जाता है निवेशी और निर्गम के साथ में। ठीक है, तो यहां से जो हमारा कॉमन कलेक्टर, इसका हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाया है। अगर हम पीएनपी की बात करते हैं तो पीएनपी के अंदर क्या होगा, पीएनपी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर करंट जो है वो अंदर की ओर होगी, आईई। ठीक है, तो इस प्रकार हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, एन टर्मिनल यहाँ पर हमारा नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से। ठीक है, और यहाँ पर पी नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से। ठीक है, तो इस प्रकार हम पी जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एनपीएन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि इनपुट करंट क्या होगी और आउटपुट करंट क्या होगी, इनपुट वोल्टेज क्या होगी और आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ये हम देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में संग्राहक टर्मिनल निवेशी तथा निर्गम दोनों में उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कलेक्टर टर्मिनल है वो क्या है, कॉमन है, तो इनपुट करंट क्या होती है इसमें और आउटपुट करंट क्या होती है। इनपुट करंट आईबी होती है और आउटपुट करंट क्या होती है, आईई होती है। ठीक है, इमिटर करंट क्या होगी, आउटपुट करंट होगी, और जो इनपुट करंट है वो बेस करंट होगी। ठीक है, अब हम बात करें इनपुट वोल्टता की, इनपुट वोल्टेज क्या होगी, इनपुट वोल्टेज होगी वीबीसी और आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, वीईसी। ठीक है, अब जो कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है कि इनपुट जो जंक्शन है, इनपुट जंक्शन कौन सा है, वी, ये जो हमारा बीसी जंक्शन है या हम कहें सीबी जंक्शन जो है वो क्या होता है, इनपुट जंक्शन होता है, इनपुट जंक्शन होता है। ठीक है, और जो हमारा कॉमन ये आउटपुट जो पार्ट है, यानी आउटपुट जंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, सीई जंक्शन जो होता है वो आउटपुट होता है, आउटपुट जंक्शन होता है। तो हम
हम देख सकते हैं कि जो सीबी जंक्शन है ट्रांजिस्टर के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं कि सीबी जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस्ड होता है, तो सीबी जंक्शन क्या रहेगा, रिवर्स बायस्ड रहेगा। और सीई जंक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा और इनपुट यहां पर क्या है, रिवर्स बायस में है। यानी ट्रांजिस्टर का सीबी जंक्शन किस में रहता है, रिवर्स बायस में रहता है। इसका मतलब है कि कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर के अंदर निवेशी प्रतिबाधा का मान, इनपुट इम्पीडेंस का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा, जो हमारी इनपुट इम्पीडेंस है निवेशी प्रतिबाधा का मान अधिक तथा निर्गम प्रतिबाधा का मान कम होता है। ठीक है, तो जो कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस अधिक होती है और आउटपुट इम्पीडेंस कम होती है, जो कि किसके अपोजिट है, कॉमन बेस और कॉमन इमिटर के अपोजिट है। क्योंकि कॉमन बेस के अंदर क्या होता है, सीबी जंक्शन हमारा आउटपुट जंक्शन होता है जो कि रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, और जो हमारा कॉमन इमिटर है उसके अंदर भी वही होगा, रिवर्स बायस जंक्शन हमारा आउटपुट होता है। इसकी वजह से इन दोनों में क्या होगा, आउटपुट इम्पीडेंस ज्यादा होती है लेकिन कॉमन कलेक्टर में इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए इसको किसमें यूज करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज इम्पीडेंस मैचिंग प्रतिबाधा सुमेलन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार होता है और ये इसकी विशेषताएं हैं कि क्या क्या इसमें रहेगा। अब जो हमारा कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होता है इसको इमिटर फॉलोवर भी कहते हैं। उत्सर्जक अनुगामी, ठीक है, कॉमन कलेक्टर के अंदर क्या किया जाता है कि जो आउटपुट होगा वो ई टर्मिनल पर लिया जाता है, यानी लोड जो हमारा किस पर होगा, ई टर्मिनल पर होगा। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, अभी ये लिख लें एक बार। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर क्या करते हैं कि जो इमिटर होगा हमारा, इमिटर टर्मिनल पर क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो इमिटर के ऊपर, यहाँ पर जो हमने लोड लगाया हुआ है इसके ऊपर क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार हमारा ट्रांजिस्टर का डायग्राम होगा तो वहां पर जब लोड किसके ऊपर लगाया हुआ हो, यानी जो आउटपुट किस पर ले रखा हो, इमिटर पर हो, तो ये इमिटर फॉलोवर या
कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होगा, क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को इस प्रकार देखें तो हमें क्या लग रहा है कि ये कॉमन इमिटर है, ठीक है। लेकिन ये कॉमन इमिटर नहीं है, कॉमन इमिटर होता तो क्या होता कि जो लोड है वो कहाँ लगाया हुआ होता, कलेक्टर के ऊपर होता, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब हम आउटपुट कलेक्टर पर लेते हैं तो वो हमारा कॉमन इमिटर होता है, लेकिन जब हम आउटपुट इमिटर के ऊपर लेते हैं, उत्सर्जक टर्मिनल पर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन कलेक्टर होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि हमेशा इसमें निर्गम वोल्टता जो होती है वो किस पर ली जाती है, इमिटर पर ली जाती है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना लें, फिर हम इसके लिए धारा संबंध ज्ञात करते हैं और इसके आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर अपना वैसे ही है सारी चीजें जैसे हम कॉमन बेस और कॉमन इमिटर में डिफाइन कर रहे थे कि इनपुट करंट क्या होगी, आउटपुट करंट क्या होगी, सारी चीजें वैसे ही हैं। बस इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि इसकी निवेशी प्रतिबाधा जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये रिवर्स बायस वाला जंक्शन जो है वो इनपुट है, ठीक है। इस वजह से इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा होगी और इमिटर पर हमेशा आउटपुट लिया जाएगा, इसे इमिटर फॉलोवर कहते हैं, ठीक है, उत्सर्जक अनुगामी कहते हैं। अब हम बात करें इसके अभिलाक्षणिकों की, ठीक है। तो इसके हम बात कर रहे हैं अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसके बनाएं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास में कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर है, कॉमन कलेक्टर के अंदर जो आउटपुट करंट है वो क्या है, आईई है, और जो हमारा कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर होता है उसमें आउटपुट करंट क्या होती है, आईसी होती है, ठीक है। तो अब जो आईसी और आईई हैं वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होती हैं, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो वीईसी है, और कॉमन इमिटर में आउटपुट वोल्टेज वीसीई होता है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, साइन चेंज होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, और आईसी भी अप्रोक्सीमेट आईई के इक्वल होती है। तो अगर हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होगा, अपने लगभग वैसे ही मिलते हैं इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कॉमन इमिटर के अंदर मिलते हैं। आईसी और वीईसी, आईई और वीईसी के मध्य बनाते हैं इनको, और यहां पर क्या रहेगा, आईबी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आईबी की कांस्टेंट वैल्यूज के लिए आईई और वीईसी के मध्य ये कर्व बनाते हैं और लगभग सेम ही होते हैं जैसे कि कॉमन इमिटर के अंदर होता है, ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर के अंदर ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, बस जो इसकी अलग है कुछ इससे कॉमन बेस और कॉमन इमिटर से, वो हमको ध्यान रखना है कि इसकी एक तो इनपुट इम्पीडेंस के लिए और इसको यूज किस लिए किया जाता है और इसको इमिटर फॉलोवर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन कलेक्टर था। अब हम इसके अंदर करंट जो रिलेशन होते हैं, धारा संबंध, हम उनको लिखते हैं, और इसके अंदर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को गामा से डिनोट किया जाता है उसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हमने अल्फा और बीटा को निकाला था, अल्फा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर था कॉमन बेस के अंदर, तो वो किस प्रकार था, आईसी अपॉन आईबी, और बीटा क्या था, ये हमारा था आईसी अपॉन आईई, और ये था आईसी अपॉन आईबी। गामा क्या होगा, आईई अपॉन आईबी होगा, ठीक है। तो हम गामा का मान निकालते हैं, तो हम निकाल रहे हैं धारा संबंध और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को निकाल लेंगे।
ठीक है, तो करंट रिलेशन या धारा संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखे इक्वेशन हमारी क्या होती है, आईई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, जो हमारी करंट होती है इमीटर करंट वो किस किस से मिलकर बनती है, आई बी और आई सी से। आई बी क्या है, बेस करंट है, और आई सी क्या है, कलेक्टर करंट है। ठीक है, तो आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, आईसी इक्वल टू संग्राहक धारा आईसी इक्वल टू क्या होगी, अल्फा डीसी आईई प्लस का आई सी बी ओ। ठीक है, जहां पर सी किसको डिनोट कर रहा है, कलेक्टर, और यहां पर बी किसके लिए है, ये कलेक्टर करंट के लिए है, बी है बेस, और ओ का मतलब ओपन, यानी जब हमारा बेस टर्मिनल ओपन होगा, इनपुट हमारा क्या होता है, जीरो होगा, तो उस टाइम पर जो लीकेज करंट होती है, यानी उस टाइम पर आईसी का हमें मान मिलता है किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से हमें ये वैल्यू मिलती है, और इसे क्या कहते हैं, क्षरण धारा, लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, तो आईसी जो होती है वो भी दो पार्ट से मिलकर के बनी होती है, एक तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से और एक इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो आईसी का ये मान हम रख दें इक्वेशन वन के अंदर, तो आईई इक्वल टू आ जाएगा आई बी प्लस अल्फा डी सी आई ई प्लस का आई सी बी ओ। इसको इधर ले ले, आई ई वन माइनस अल्फा डी सी आई बी प्लस आई सी बी ओ, तो ये क्या आ जाएगा, आई ई इक्वल टू आई बी अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी प्लस का आई सी बी ओ अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी। ठीक है, तो यहां तक लिख लें इसको, फिर हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब वन अपॉन वन माइनस अल्फा डीसी किसके इक्वल होता है, बीटा डीसी प्लस वन के। ठीक है, बीटा और अल्फा में हमने रिलेशन निकाला था, तो बीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास में, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। ठीक है, वहां से हम निकाल लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी इक्वल टू बीटा डी सी प्लस वन। तो वैल्यू रख दे हम, आई ई इक्वल टू आई बी इंटू बीटा डी सी प्लस वन प्लस का आई सी बी ओ, और ये भी आ जाएगा बीटा डी सी प्लस वन। ठीक है, यहां पर हमारा जो बीटा है वो क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, किसके अंदर, कॉमन इमिटर के अंदर, और जो अल्फा है वो क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है कॉमन उसके अंदर, कॉमन बेस के अंदर। ठीक है, ये कॉमन बेस के लिए है और ये कॉमन इमिटर के लिए है। तो यहां पर हमारे पास में इक्वेशन आ गई, आई ई इक्वल टू आई बी बीटा डीसी प्लस वन प्लस का आई सी बी ओ बीटा डीसी प्लस वन। अब यदि क्या करें, यदि आई सी बी ओ को नगण्य माने तो आई ई इक्वल टू आई बी बीटा डी सी प्लस वन, तो यह आ जाएगा आई ई अपॉन आई बी बीटा डी सी प्लस वन,
और इसको क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा गामा कहलाता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। किसके अंदर? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो गामा का मान क्या हो जाएगा, आई ई अपॉन आई बी बीटा डी सी प्लस वन। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों के मान हमारे पास आ गए। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि अल्फा हम किसके अंदर लेते हैं, बीटा किसके अंदर लेते हैं, और गामा कौन से कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं, और इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला वही है कि आउटपुट अपॉन इनपुट करंट होगा, लेकिन आउटपुट करंट कौन सी होती है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और इनपुट करंट कौन सी होती है, ये याद रखना है। और इन तीनों का आपस में रिलेशन याद रखना है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, इसको लिख ले, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट। ठीक है, लोड लाइन और क्यू पॉइंट क्या होता है ये हम बात करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है क्यू पॉइंट का, ये आपकी यूनिट सेकंड में थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है और यूनिट थर्ड के अंदर भी है। ठीक है, यूनिट थर्ड में क्योंकि हम लोग बात करेंगे बाइसिंग की, बाइसिकरण क्या होता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर एक अनस्टेबल डिवाइस होती है, तो ट्रांजिस्टर को प्रॉपर बायस्ड किया जाता है। तो वहां पर जब हम बाइसिंग की बात करेंगे तो वहां पर भी क्यू पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ये क्यू पॉइंट। ठीक है, तो उसके अंदर हम एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यू पॉइंट क्या होता है और लोड लाइन क्या होती है। फिर उसके बाद में यूनिट थर्ड में हम बायसिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका यूज होगा। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगा कि जब जैसे मान लो हमारे पास में ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। कॉमन इमिटर, ठीक है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर का हमने यहां पर डायग्राम लिया है। किसके अंदर? एनपीएन के अंदर हमने लिया है इसको। और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर हमने यहां पर डायग्राम बनाया है, इसके अंदर ये क्या है, सारी चीजें वी एस है, ये सिग्नल है। ठीक है, ये हमारा सिग्नल सोर्स है, और ये कैपेसिटर होता है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर हम इसको कहते हैं। ये कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, इस वजह से हम इसे ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं। ये आरबी रेजिस्टेंस है, जिसे कि बेस रेजिस्टेंस आधार प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है,
ये VBB होती है इस बैटरी के द्वारा, ठीक है, यहां पर हम बायसिंग कर रहे हैं, तो इस बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, इनपुट पार्ट को, यानी जो हमारा ईबी जंक्शन जो है, इसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बी टर्मिनल है, ये ई टर्मिनल है, ठीक है, और इसके द्वारा क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, ये हमारी वीसीसी कहलाती है। इससे क्या होगा, ये वाला जो आउटपुट पार्ट है हमारा किसमें होगा, रिवर्स बायस में होगा, ये लोड रेजिस्टेंस है आर एल, ठीक है, जहां पर आउटपुट लिया जाता है, आर एल पर क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, ये लोड रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो कॉमन इमिटर के अंदर क्या होगा, हमारा आउटपुट किस पर होता है, सी टर्मिनल पर होता है, ठीक है। यहां पर एक कैस्केडिंग जो हमारी खुद कैपेसिटर है उसको भी यूज करते हैं, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है जो कि आरएल के सिरों पर लेते हैं। तो ये इस प्रकार इसका डायग्राम होता है, हम लोग क्यू पॉइंट और लोड लाइन निकालने के लिए इस प्रकार का परिपथ बनाते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, तो हमने पहले भी जब हमने एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर का काम कब करता है, जब वो किसके अंदर होता है, एक्टिव रीजन में होता है, ठीक है। एक्टिव रीजन में जब ट्रांजिस्टर होगा तो उस टाइम ये क्या करता है, एम्पलीफायर का काम करता है, प्रवर्धक का काम करता है। तो हम ट्रांजिस्टर को किसमें रख रहे हैं, एक्टिव रीजन के अंदर रख रहे हैं। एक्टिव रीजन का मतलब है कि कौन सी, एक बायसिंग हमारी फॉरवर्ड होगी फर्स्ट वाली, और सेकंड क्या होगी, रिवर्स बायस होगी। इस वजह से हमने यहाँ पर इस बैटरी से इसको फॉरवर्ड किया हुआ है और इससे इसको रिवर्स कर रखा है, ठीक है। ये हमारी आईबी करंट है, ये आईसी करंट है, और ये आईई करंट है, ठीक है। अब क्या होता है, ट्रांजिस्टर का जब तक यहां तक का पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर तो क्या होगा कि जब तक सिग्नल नहीं दे रहे हैं, यहां पर सिग्नल क्या है, जीरो है, वो ट्रांजिस्टर की क्यूसेंट स्टेट होती है, शांत अवस्था होती है। उसके अंदर तो जो हमारे आउटपुट मिलते हैं, कॉमन इमिटर का आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। ये आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है आईसी और वीईसी के मध्य, वीसीई के मध्य, और यहां पर आईबी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब जब हम आउटपुट लेते हैं, जब हम क्या दे रहे हैं, वीएस यानी सिग्नल यहां पर अप्लाई किया हुआ है, तो आउटपुट कहां ले रहे हैं, आरएल के सिरों पर ले रहे हैं। आरएल के सिरों पर क्या होगा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो ये वी आउटपुट क्या होगा, स्थिर नहीं रहता, वेरी करेगा, किस पर डिपेंड कर रहा है, आईसी पर डिपेंड करेगा। अगर आईसी में वेरिएशन होते हैं तो क्या होगा, इस आउटपुट में भी वेरिएशन होगा, ठीक है। और आईसी में वेरिएशन कैसे होंगे, अगर आईबी में वेरिएशन हो रहे हैं तो किसमें वेरिएशन होंगे, आईसी में वेरिएशन होंगे। आईबी में वेरिएशन का मतलब, यहां पर हमने क्या दे रखा है, एक एसी सिग्नल है हमारा, ठीक है, ये हमारा साइन एसी का होता है। तो एसी सिग्नल, जब ये सिग्नल वेरी करेगा इस प्रकार है, तो सिग्नल के वेरी करने पर आईबी में वेरिएशन आते हैं, आईबी में वेरिएशन होंगे तो आईसी में वेरिएशन होंगे, ठीक है, जिससे यहां पर वोल्टता स्थिर नहीं रहती। तो हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो इस प्रकार ऑपरेट करे, इस पॉइंट पर ऑपरेट करे कि यहां पर जब वेरिएशन हो तब भी ये किसके अंदर ही रहे, इस एक्टिव रीजन के अंदर ही रहे, इस एक्टिव रीजन से बाहर ना जाए, सेचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में ना जाए। इसके लिए क्या निकालते हैं, क्यू पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ की जाती है, उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो अभी हम निकालते हैं। उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम लोड लाइन कहते हैं, डीसी लोड लाइन वो कहलाती
कहलाती है, ठीक है। और जब तक सिग्नल जीरो है वो ट्रांजिस्टर की क्यूसेंट स्टेट शांत अवस्था होती है, ठीक है। तो पहले हम लोड लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। एक बार ये डायग्राम बना ले। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं कि जब हमारा आउटपुट पार्ट से हम लोड लाइन की इक्वेशन निकालते हैं कि आउटपुट के अंदर हम क्या लगा दें, ये जो हमारा आउटपुट पार्ट है इसमें हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम वीसीसी, वीसीसी माइनस आईसीआरएल, इस प्रकार अगर करंट जा रही है हमारा ये टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, तो अगर हमने वीसीसी को पॉजिटिव लिया हुआ है माइनस प्लस ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा माइनस आईसी आर एल माइनस वीसीई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां का वोल्टेज क्या है इस जंक्शन का वीसीई, ठीक है, और ये वाला क्या है वीबीई है। तो इसके अंदर जब हम लूप लगा रहे हैं तो क्या होगा वीसीसी माइनस आईसी आर एल माइनस का वीसीई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई आउटपुट, इसके अंदर इसमें हमने किरचॉफ्स लॉ लगाया है। सिंपल इस प्रकार है कि एक आर एल लगा हुआ है, यहां पर हमारी ये वीसीसी है और यहां पर हम कह सकते हैं कि एक वोल्टेज है वीसीई। तो वीसीई जो है वीसीई के टर्मिनल भी क्या होंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस प्रकार है क्योंकि ई नेगेटिव से कनेक्टेड है और सी पॉजिटिव से, तो ये वीसीई के टर्मिनल है। तो यहां से अगर हम शुरुआत करें तो वीसीसी माइनस आईसीआरएल माइनस वीसीई, इसी प्रकार होगा लूप हमारा, ठीक है। तो इस लूप से हम आईसी इक्वल टू निकालें तो आईसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वीसीसी इक्वल टू आईसीआरएल प्लस वीसीई, तो आईसीआरएल इक्वल टू वीसीसी माइनस वीसीई और आईसी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन अपॉन आर एल वीसीई प्लस वीसीसी अपॉन आर एल, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है, अगर हमारा वीसीसी कांस्टेंट हो, क्योंकि वीसीसी ये बैटरी है, अगर यहां पर नियत मान हो इसका वीसीसी का कांस्टेंट वैल्यू हो तो क्या रहेगा, आरएल भी फिक्स है, आरएल रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, ये भी फिक्स है, वीसीसी भी फिक्स हो तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, सी लिख सकते हैं हम इसे, और ये वाली वैल्यू क्या होती है वेरी करती है। तो ये हम पर हमारी इक्वेशन जो है आईसी की इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई एम एक्स प्लस सी। हम कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को, जो हमारी आईसी की इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन आ रही है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस का वन अपॉन आर एल क्या है इसकी स्लोप है, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो जो हमारे आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन थे उसके अंदर हम आईसी की ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वहां पर हमें किस प्रकार मिल जाएगा, यहां पर जब वीसीई जीरो हो तो हमें इसके अंदर आईसी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आईसी के कोऑर्डिनेट्स अभी हम निकालते हैं, पहले इसको लिख लो। यहां तक हो गया। तो ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन आ रही है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसी को क्या कहते हैं, लोड लाइन कहते हैं,
तो जो हमारे आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन थे ये बिल्कुल पैरेलल नहीं होते हैं, थोड़े से इस प्रकार होते हैं। कॉमन इमिटर के अंदर हम बात कर रहे हैं, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। तो यहां पर ये आईबी की वैल्यूज होंगी अलग अलग, और ये हमारा क्या होगा वीसीई होगा, और ये क्या होगी आईसी करंट होगी। ठीक है, तो यहां पर हमें आईसी और वीसीई, आईसी की हमें ये लाइन मिल रही है, तो इस लाइन के लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालें। जब हमारा वीसीई इक्वल टू जीरो है, वीसीई इक्वल टू जीरो मतलब हम इस लाइन की बात करें कि यहां पर पॉइंट क्या आएगा आईसी वाली एक्सिस के ऊपर, तो आईसी वाली एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा आएगा, जब वीसीई जीरो है तो आईसी इक्वल टू वीसीसी अपॉन आरएल। ठीक है, तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारा वीसीसी अपॉन आरएल, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया जीरो वीसीसी अपॉन आरएल। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस आईसी लाइन के ऊपर। फिर दूसरा, जब आईसी जीरो हो, जब आईसी जीरो होगा, आईसी इक्वल टू जीरो है, ठीक है, आईसी इक्वल टू जीरो रखने पर यहां पर मैं एक बार आईसी की इक्वेशन लिख देती हूं। आईसी इक्वल टू क्या है, माइनस का वन अपॉन आर एल वीसीई प्लस का वीसीसी अपॉन आर एल, जहां पर ये क्या है स्लोप है इसकी। तो जब आईसी इक्वल टू जीरो होगा तो वीसीई इक्वल टू क्या हो जाएगा वीसीसी के इक्वल, यानी एक जो पॉइंट आएगा वो इसका क्या आ जाएगा वीसीई इक्वल टू वीसीसी का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन के हमारे कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे जीरो वीसीसी अपॉन आर एल, और एक आ जाएगा वीसीसी जीरो जब हमारी आईसी जीरो है और यहां पर वीसीई जीरो है। तो ये हमारी एक लाइन आती है, ठीक है, इस प्रकार मान लो। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डीसी लोड लाइन कहते हैं। ठीक है, और जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करती है आईबी को, वो इसके क्या हो सकते हैं ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट इस प्रकार सिलेक्ट किया जाता है, इस प्रकार चूज किया जाता है कि जब आईबी में वेरिएशन हो। ठीक है, आईबी में वेरिएशन होंगे तो आईसी में वेरिएशन होंगे। ठीक है, तो आईबी में वेरिएशन होने पर क्या हो कि, ठीक है, जब आईबी परिवर्तित हो रही है तो ये जो हमारा क्यू पॉइंट है यानी ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इस एक्टिव रीजन से बाहर नहीं जाए, क्योंकि अगर सेचुरेशन या कट ऑफ रीजन के अंदर वो पॉइंट जाता है तो क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर इन रीजन में प्रवर्धक का काम नहीं करता है। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का काम कब करता है, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है। ठीक है, तो इस क्यू पॉइंट का चयन कैसे करेंगे, किस पर डिपेंड कर रहा है ये, आईबी के ऊपर। तो हम लोग इस इनपुट वाले पार्ट से निकालेंगे। ठीक है, और जब हमारा वीएस इक्वल टू जीरो होता है तो वो इसकी क्यूसेंट स्टेट शांत अवस्था कहलाती है। अब हम लोग इसके अंदर लूप लगाते हैं जो हमारा इनपुट वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लूप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा वीबीबी माइनस आईबीआरबी, इसी प्रकार लिखते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहां का वोल्टेज वीबीई, यह आ जाएगा माइनस का वीबीई इक्वल टू जीरो। तो यह आ गया वीबीबी इक्वल टू आईबीआरबी प्लस का वीबीई, और वीबीई की वैल्यू 0.7 के आसपास होती है सिलिकॉन के लिए जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। तो यहां से ये आ जाएगा वीबीबी माइनस
VBE अपॉन RB इक्वल टू IB, ठीक है। तो इन सब के मान रख करके हम IB का मान निकाल लेते हैं, और वो जो IB का मान आएगा, ठीक है, मान लो कोई सी ये वाली लाइन आ रही है हमारे पास में, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है इस लोड लाइन का और ये जो हमारी IB की वैल्यू आई उस वाली IB वैल्यू के अंदर, इसको क्या कहेंगे, क्यू पॉइंट। ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, यानी इस पॉइंट पर जब हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं तो ट्रांजिस्टर के अंदर जब वेरिएशन होंगे सिग्नल के, उस टाइम पर क्या रहेगा, ये एक्टिव रीजन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है लगभग मध्य के अंदर होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो IB है, अगर वेरी करे, हमने ए और बी ये दो पॉइंट लिए हैं, तो IB अगर वेरी करता है इस प्रकार, ठीक है, IB के अंदर अगर वेरिएशन होते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहां पर इसके संगत IC में वेरिएशन होंगे, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार IB के अंदर जब वेरिएशन होते हैं ये हमारी IC, तो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर यानी IB, ये हमारा Q पॉइंट वाली वैल्यू थी IB, ठीक है। IB हमारी एक तो Q पॉइंट वाली थी, और IB प्लस माइनस डेल्टा IB, यानी IB प्लस डेल्टा IB, यानी ऊपर की साइड IB माइनस डेल्टा IB। तो यहां पर अगर ट्रांजिस्टर रहेगा तो हमें पूरा का पूरा आउटपुट पार्ट मिलता है। अगर इससे ज्यादा, मान लो हमारा Q पॉइंट अगर यहाँ ले लें, तो क्या होगा, पूरा पोर्शन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर सेचुरेशन रीजन के अंदर चला जाता है वेरिएशन होने पर, तो सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन के अंदर क्या होता है, ये एम्पलीफायर का काम नहीं करता, इसलिए क्यू पॉइंट जो होता है वो इस प्रकार लिया जाता है कि ये क्या हो, वेरिएशन होने पर भी इसके अंदर जब चेंजेज आ रहे हैं IB प्लस माइनस डेल्टा IB, तब भी हमारा ट्रांजिस्टर किस में रहे, एक्टिव स्टेट में ही रहे, एक्टिव रीजन में ही रहे, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्यू पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन है, जो हमने लोड लाइन निकाली है, ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये हमारी क्या कहलाती है, लोड लाइन कहलाती है, ठीक है। और इस प्रकार हम इनपुट और आउटपुट में लूप लगा करके यहाँ से हम IB का मान निकालते हैं और ये हम IC की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्यू पॉइंट और लोड लाइन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं।